यार अभी देखो टोटल हो चुके हैं 24.77, इसको मैं 25 मान लेता हूँ और 5-10 मिनट बाद तो हमें ऑर्डर आता है, तो ट्रू जो एक घंटा आया जिसमें हमने काम किया उसमें $25 की हमारी अर्निंग हो चुकी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष मेरवाल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 3:20 दोपहर के, और आज का जो प्लान है, जो आज की वीडियो है इस बारे में, कि हम करेंगे स्किप द डिशेस और देखेंगे कितना पैसा बनता है। मैं काफी टाइम से स्किप द डिशेस कर रहा हूँ, आज आपको दो घंटे करके सिर्फ दिखाऊंगा कि कितना पैसा बनता है। फिर मैं आपको पास्ट जो मेरी वीक में अर्निंग्स हुई है उससे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कितना पैसा बनता है। उसमें से हम फ्यूल कॉस्ट और 2-4 कॉस्ट वगैरह माइनस करके देखेंगे कि इज इट बेटर टू डू अ जॉब और स्किप करना ज्यादा वो है प्रॉफिटेबल। यार ये आ गया पार्थ जिसके साथ हमने वीडियो बनाई थी और इसके साथ से हम स्किप करेंगे। सुन, डिग्गी में से वाले बैग निकाल ले दोनों स्किप के। घास जैसा इसका स्प्रे होता है, ये मत कर अबे यार। ये यूकेलिप्टस पेड़ वाला, थैंक यू सो मच, यू हैव अ ग्रेट डे। फोन भी पकड़ क्या पकड़ के रखना है? कुछ नहीं, बस हेलो कर ले, दिखा दे अपनी शक्ल। अपनी शक्ल तो दिखा दे। कितने बजे स्टार्ट करना है? 4 मिनट है अभी, 3:41 हो रहे हैं, 3:45 पे स्किप के शिफ्ट स्टार्ट है। तो कहीं साइड में लगा लेते हैं और वहीं से स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली ये वाली पार्किंग नहीं लगा लेते डाउनटाउन, ये कहाँ जा रहा है इसको देखते हैं, इसी वाली पार्किंग में लगा लेते हैं और यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यार अभी हम कोरियर ऐप को लॉन्च करेंगे, एक सेकेंड ना, कोरियर ऐप लॉन्च कर दी, बोला है कि 3:45 पे आपकी शिफ्ट स्टार्ट है। तो इसके अंदर ना ऐसे शिफ्ट आ जाती है, इस पर शिफ्ट पर क्लिक करूँगा दिखा देगा अपकमिंग शिफ्ट यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे जाओगे अवेलेबिलिटी में तो आपको ओपन शिफ्ट दिखा देगा। तो कभी कभी अभी देखो जैसे आज की ना 7-11 की भी ओपन शिफ्ट आ रही है और आगे की अभी कोई भी शिफ्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये वाली शिफ्ट भी उठा सकते हैं हम 7-11 वाली। मैं आज नहीं उठाऊंगा 7-11 वाली क्योंकि मेरे को और भी काम है, मुझे यूनी का भी काम करना है। तो अभी माई शिफ्ट पे है 3:45 वाली, कैमलूप्स के अंदर ये शिफ्ट है, और उसके बाद बस अभी वेट करते हैं 3:45 पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो यार हम इस टाइम कैमलूप्स डाउनटाउन के अंदर, अभी पूरा तो क्या ही दिखाऊं, और 3:44 हो रहे हैं, बस 3:45 होने का मैं वेट कर रहा हूं। इसको कर देते हैं अवेलेबल और योर शिफ्ट है स्टार्टेड, देखो आ गया, इसको ओके पे क्लिक करेंगे और अभी ये ना अवेलेबल की जगह मैचिंग यू टू ऑर्डर्स हो जाएगा, देखना थोड़ी देर में। ऐसे अवेलेबल कर दिया, देखो अभी ये हो गया मैचिंग यू टू ऑर्डर्स। तो अभी इस ट्रिप में हमने अभी $0 कमाए और ये अभी दिस इज मैचिंग अस टू ऑर्डर्स, ठीक है। अब जैसे ही कोई ऑर्डर बजेगा आपको मैं वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ, फिर ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अभी देखो ऑर्डर बजा है, हमारे पास 50 सेकंड है ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए। ऑर्डर है डाउनटाउन और इसको करना है एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट कर दिया हमने ऑफर कि हम ये लेने जा रहे हैं। अब इसमें मैप पे क्लिक करूंगा, मैप खुल जाएगा, स्टार्ट करेंगे और ये आ गया मैप जी आपका, ठीक है। चलेंगे, देखो कितना किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है बस, और मिलने इसके 3 किलोमीटर से जो ऑर्डर लेने जाना है उसके बाद आपका डिलीवर करेंगे, देखते हैं टोटल कितना किलोमीटर होता है डिलीवरी। तो अभी पहले ऑर्डर पिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारा बताता हूँ ऑर्डर कैसे पिक करना होता है, क्या बोलना होता है रेस्टोरेंट में जाके, सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। चलो अपनी ग्रीन लाइट हो गई है, अपन ले रहे हैं राइट। और दिक्कत यहाँ पे डाउनटाउन में ये है कि यहाँ पे ना पार्किंग लगाना सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये बोलते ही हमें एक पार्किंग मिल गई है, लोल अपने मुंह पे ही पार्किंग मिली है। चलो भाई पार्किंग करें हम जरा तमीज से, ऑलमोस्ट परफेक्ट पार्किंग मैंने लगा दी है। अब चलते हैं, अब देखो अब यहाँ पे अब एक फ्लिप करके मैं देख सकता, अब यहाँ पे है पार्क डेट रेस्टोरेंट पे आप स्वाइप करोगे, ठीक है, पार्क डेट रेस्टोरेंट। अब वो बोलेगा कि कलेक्ट ऑर्डर, तो ये आपका वो है ऑर्डर नंबर, ये आपको बताना होता है। कुछ रेस्टोरेंट बिना फोन देखे नहीं मानते, तो अभी मैं जाता हूँ और ऑर्डर कलेक्ट करके लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 7017 दिस इज द वन, थैंक यू।
7017. Yep. Thank you so much. Awesome. Have a great day. मैं बस अपने ऑर्डर नंबर बोला जाके और इन लोगों ने ऑर्डर दे दिया। उसके बाद बस अब अपने ऐप में मैं इसको मार्क्ड एज कलेक्टेड कर दूंगा। उसके बाद ये मुझे कस्टमर का एड्रेस दिखा देगा। गाड़ी रोकेगा रोकेगा, ठीक है। मार्क्ड एज कलेक्टेड कर दूंगा, ये मुझे कस्टमर का एड्रेस दिखा देगा, फिर वहाँ पर ड्राइव करेंगे, उसके बाद चलते हैं, ठीक है यार। अब हम कर देंगे कलेक्टेड ऑर्डर, कि हमने ऑर्डर कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम बोलेंगे हम रेडी टू ड्राइव हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेविगेट कर लेंगे, देखते हैं कितना किलोमीटर जाना है। सिर्फ 3 किलोमीटर जाना है, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा मैप हो गया अपडेट, बस अब 3 किलोमीटर जाना है। टोटल इस 3 किलोमीटर जाना रेस्टोरेंट पे, 3 किलोमीटर डिलीवरी, इसके मिले हैं हमें $6। तो अभी देखते हैं, अभी मैं पहले लेफ्ट ले लूँ, उसको भी लेफ्ट ही लेना लग रहा है। ले 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 ले। ठीक है, तो चलो अब डिलीवर करते हैं। डिलीवर करते हुए दिखाता हूँ कि क्या करना होता है, किस तरीके से डिलीवर होता है सारा कुछ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो यार एक मैं कॉमन चीज इसको अभी पार्थ को बता रहा था, तो मैंने को वीडियो ऑन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सारे, जैसे मैं गाड़ी चला रहे होते टाइम से, तो ना बहुत सारे स्कैम भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं लोग, कि ना आपकी लाइट होगी उसके आगे आके जंप कर देंगे। जैसे मेरी ग्रीन लाइट थी, वो बंदे ने मेरे आगे आके ना जंप कर दिया ग्रीन लाइट पे आके। तो वो तो मैं पूरे अटेंशन के साथ, पूरा मतलब पूरे ध्यान के साथ मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो वो तो मैं बच गया, नहीं तो उसको तो मैं उड़ा ही देता। एक सेकंड ना, मेरे को इस वाली लेन में गाड़ी घुसानी है, घुसाने देगा ये, देगा। तो मैंने बस, वो तो मैंने ब्रेक मार दिया, तो वो ना कंफ्यूज कर रहा था मुझे। मेरी ग्रीन थी, वो आके आके पहले तो हल्का सा उसने फुटपाथ के आगे स्टेप रखा, फिर पीछे चला गया। तो इतने में तो मैं दूर था, मैंने कहा ठीक है गलती से वो आ गया होगा, उसको लगा होगा कि रेड लाइट है, रोड क्रॉस कर रहा है, दैट्स फाइन। जैसे ही मैं थोड़ा क्लोज आया, जंप राइड इन फ्रंट ऑफ एकदम गाड़ी की, मुझे बहुत इमरजेंसी ब्रेक मारने पड़े। वो तो अच्छा हुआ मेरे पीछे वाला ना थोड़ा सा मतलब वो था, रुका हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था, तो उसने मेरे में ठोकी नहीं। नहीं तो अगर कोई होता ना पीछे मेरे, नॉन अटेंटिव ड्राइवर, घुसा देता भाई गाड़ी पूरा। तो यार गाड़ी चलाते हो ध्यान से चलाया करो, ये बहुत स्कैमर मिलते हैं, होमलेस स्कैमर। तो यार अभी उसने इंस्ट्रक्शन दिए कि डोर पे नॉक कर देना, ये सब छोटी मोटी इंस्ट्रक्शन होती है। अभी मैं खाना उसको देख के आता हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर हम दूसरी डिलीवरी के लिए इसको ऑन करते हैं, ठीक है। जब डिलीवर कर देंगे तो बस इसको स्वाइप कर देना, डिलीवर्ड ऑर्डर डिलीवर्ड, तो ये डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है। अपार्टमेंट लॉक्ड है, तो अगर लॉक्ड होता ना तो इनका जो हाउस नंबर है उसको रिंग करना होता है। तो अभी उसका हाउस नंबर रिंग हो रहा है, वो अनलॉक कर देगी। तो अब ऑर्डर डिलीवर कर दिया, अब यहाँ पे दिखा दें एक बार कि डिलीवर करके इसको स्वाइप कर देंगे, डिलीवर्ड वन ऑर्डर। और अभी ये नया ऑफर आ गया, अपडेट करते ही नया ऑर्डर आ गया, $8 का ऑर्डर आया है। यहाँ से उठाना है, यहाँ देना है, इसको करेंगे हम एक्सेप्ट। आई थिंक 2 किलोमीटर जाना होगा बस, तो इसको देखते हैं कितनी दूर है। ये 250 मीटर जाना है, सिर्फ 250 मीटर, ठीक है। तो एक वन साइड का तो अपना ट्रिप बच गया, 1 मिनट की ड्राइव है बस। तो मतलब जहां मैं खड़ा हूं यहां से ये बगल में ही है रेस्टोरेंट, इनफैक्ट हम पैदल भी जा सकते हैं, 3 मिनट का वॉक है। तो पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि हम नवाब है, ठीक है। तो चलते हैं गाड़ी से स्टार्ट करके, उसके बाद ऑर्डर लेके फिर उसके बाद आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। अब यार लेकिन यहाँ पे नो पार्किंग है, तो रोड के ना उस साइड पे पार्किंग लाएंगे। पार्क्ड एट रेस्टोरेंट कर दिया, और फोन लेके जाऊंगा, इस रेस्टोरेंट में कभी मैं पहले गया नहीं हूँ। एक स्किप करने का फायदा ये होता है कि अपनी सिटी में जो फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं वो पता लगते रहते हैं। तो अभी तो मेरे को पता नहीं कितनी जगह पता लग गई है। तो ऑर्डर लेके आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितनी दूर जाना है ऑर्डर लेके। भाई अपना ही कोई देसी इंडियन भाई था, एकदम बना के रखा हुआ था, 30 सेकंड भी वेट नहीं कराया। चलो बना के रखा हुआ था, कह रहा 7135, कह रहा ये लो, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई बना के रखा हुआ था। ऐसे लोग बढ़िया लगते हैं मुझे, टाइम नहीं वेस्ट कराते। अब देखते हैं एक्चुअली कितना दूर जाना है, सिर्फ 2.9 किलोमीटर जाना है। इस ऑर्डर के कितने रुपए मिल रहे थे? 8.3। तो बस ठीक है, चलो भाई गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर, आगे दिखा, आगे दिखा। देखो कभी कभी ना बैक एलीज में भी आना पड़ता है कनाडा में, जो बैक एली होती है ना रोड, तो बाहर जो होगा वो तो एकदम प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर होगा, लेकिन बैक एलीज ऐसी होती हैं, ठीक है। और कभी कभी आना पड़ता है भाई बैक एलीज में। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से लेफ्ट लेंगे,
अच्छा यहाँ पे आना था क्या? हाउस नंबर क्या है? 975. चलो भाई 975 ढूंढते हैं. और ओ हो 975 तो ये बिल्डिंग है सामने, वो देख रहा है, देख रहा वाली बिल्डिंग. अपने को ना वहां उस पार्किंग में डालनी है गाड़ी, वो देख रहा है वो छोटा सा, यहां से लेके वहां डालनी है. ओके क्या इसको बोलते हैं, यू गो फर्स्ट, इसको जानने. अरे वाह, इसने, इस लड़की ने बढ़िया करा, इस लड़की ने ना उनकी रेड लाइट करवा दी, इससे अपने को टर्न लेने का इजी मिल गया. बहुत बढ़िया. जो जिसका ऑर्डर था ये भी बहुत ही स्वीट थी, ये पहले ही घर के नीचे बैठी थी. अपना अब देखते हैं इसने टिप कितनी दी है, तो ये बहुत स्वीट, लेकिन देखते हैं टिप कितनी दी थी इसने. तो ये जो $8 वाला ऑर्डर था इसके अंदर $4 तो सिर्फ टिप थी. ठीक है, तो हमने स्किप कितने बजे स्टार्ट करी थी? 3:45 पे. अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है पूरा और हम $14.82 कमा चुके हैं. अभी मेरे हिसाब से एक ऑर्डर और बजेगा तो. अरे इसके पहले वाले ऑर्डर में कितनी टिप थी देखें जरा. इसके पहले वाले ऑर्डर में थी स्टेटेड टिप $0. जो इसके पहले जो पहला ऑर्डर आया था उसमें कोई टिप नहीं थी, दूसरे वाले में टिप थी. चलो ठीक है, अब गाड़ी कहीं पार्किंग में लगाते हैं, क्योंकि फालतू तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, कहीं किसी हॉटस्पॉट में जाके गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई कोई ऑर्डर आता है या नहीं. सर 4:45 क्या 4:30 भाई, 2 मिनट के अंदर ऑर्डर बच गया है. $9 का ऑर्डर है, कहाँ जाना है देखते हैं. इसको करते हैं एक्सेप्ट और इसको करते हैं ड्राइव, देखते हैं कितनी दूर जाना है. सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और एक्चुअली यहाँ से राइट जाना है, लेकिन हम राइट लेन में नहीं है तो हम राइट नहीं ले सकते, हम सीधा जाएंगे पहले, तो उसके बाद हम किसी आगे की रोड से टर्न लेंगे. ठीक है, तो अब आपको रेस्टोरेंट पहुँच के इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, तो यार रेस्टोरेंट पहुँच गए, ये हटसुकी सुशी, मैं दिखाता हूँ. देखा, ये सुशी का रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है ये वाला. इसमें पहुँच गए, अब मैं ऑर्डर लेके आता हूँ और उसके बाद करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू, देखते हैं कितनी दूर जाना है और एक घंटे की कमाई फिर मेजर करेंगे कितना हो गया. ठीक है, पार्कड रेस्टोरेंट मैंने इसको मार्क कर दिया और अब अंदर जाके आपको ये जो 4 डिजिट है जैसे 7791 है, ये अंदर जाके बोलना है और वो आपको ऑर्डर दे देंगे. मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर पहले ही तैयार होता है. ठीक है, थोड़ा डिंजी सा लग रहा है लेकिन कैसी कैसी जगह आके डिलीवरी लेनी पड़ती है देख लो. कोई नहीं, पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, सिर्फ टेक आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो लेके गाड़ी में जाके फिर अच्छे से बात करते हैं. थैंक यू. एंड दिस इज द बैग, करेंगे बंद. चलो भाई लेट्स गो. मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यार, धूप हो रही है, बढ़िया. ऐसे मजा आता है काम करने में, तो बढ़िया मौसम होता रहे. अबे यार कहाँ से क्रॉस करूँ, पीछे से क्रॉस करना पड़ेगा लग रहा है. चलो चलते हैं, रोड क्रॉस करता हूँ पहले, वीडियो बंद करके कहीं उड़ा दे कोई, उसके बाद करते हैं बात. सर इसको रेडी टू ड्राइव करते हैं और देखते हैं ऑर्डर कितनी दूर आया है. इस पर क्लिक किया और 5 किलोमीटर जाना है. इस ऑर्डर का पे कितना था याद है? $10 था, क्लोज टू $10 था. चलो 5 किलोमीटर जाना है और चल के इसको डिलीवर करके फिर वी विल कैरी ओवर. ठीक है, बेल्ट लगा ली. तो यार अभी देखो टोटल हो चुके हैं 24.77, इसको मैं 25 मान लेता हूँ. तो क्लोज टू एक घंटे के अंदर मतलब 3:45 स्टार्ट किया था, 3:50 हो रहे हैं और 5 मिनट 10 मिनट बाद तो हमें ऑर्डर आता है. तो ट्रू जो एक घंटा आया जिसमें हमने काम किया उसमें $25 की हमारी अर्निंग हो चुकी है. अब कॉस्ट क्या लगती है सब मैं बाद में बताऊंगा जब हम स्किप बंद कर देंगे. तो अभी एक घंटे का इफेक्टिव अर्निंग आप देख लो, ये है 24.77. बाय द वे दोपहर में डिलीवरी करने में इतना मजा आ रहा है कि यहाँ बस भाग भाग के ऑर्डर दे दो. यही ऑर्डर जब रात में करने होते हैं ना, रात के 12 बजे 3 बजे, भाई इतना डर लगता है घरों में कि कोई दरवाजा खोल के पकड़ ही ना ले, कुछ क्या हो जाए. बहुत क्रेजीज रहता है यार, यू नेवर नो. तो अब वापस चलते हैं हॉटस्पॉट एरिया में, क्योंकि हम थोड़ा शहर के थोड़े कोने में आ गए. हम दिखा रहे सामने पहाड़ इतना तो एकदम शहर के थोड़े से कोने में आ गए. हम वापस चलते हैं सिटी एरिया में. और इस वाले ऑर्डर ने कितनी टिप दी है? तो इसने दी है भाई $5.17 तो सिर्फ टिप दी है इसने. बड़ा स्वीट लेडी, नाइस. चलो लेट्स गो. तो यार स्किप के बारे में ना सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट ये लगता है कि जैसे
ऑर्डर आते हैं गाड़ी चलाना ये सब वो ठीक है, जो बीच में ऑर्डर्स के बीच में तो वेटिंग पीरियड है ना वो सबसे ज्यादा बोरिंग होता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं स्किप करूँ किसी ना किसी को अपने साथ लेके स्किप करूँ, ठीक है। तो जो बीच का बोरिंग टाइम होता है ना वो कट जाता है। तो एकदम एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ, $46 अभी तक बन चुके हैं, 6:11 हो गए हैं, तो कितना हो गया 2 घंटे के हिसाब से 23 पे आ गया अपना 25 से। तो अभी जब फाइनली शिफ्ट एंड करूंगा तब दिखाऊंगा, तब एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कि कुछ है नहीं है क्या है, ठीक है। ओके देखो यार अभी ऑर्डर आया, अभी जस्ट मैं वीडियो मैंने बंद करी, $10 का ऑर्डर आया 40 सेकंड एक्सेप्ट करने के लिए, इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। और ये बोल रहा है कि हमें ट्रैंकिल रोड पे जाना है, चलो देखते हैं कितनी दूर है ये, ठीक है। जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से 1 किलोमीटर जाना है बस, 1 किलोमीटर, ठीक है चलो जी। अच्छे से बने अपार्टमेंट में जाने में मेरे को बहुत आलस आता है, अपार्टमेंट में जाके ना इधर करियो, अपार्टमेंट में जाके पहले रिंग डोरबेल रिंग करो, उसके बाद उनके डोर अनलॉक करने का वेट करो, फिर स्टेयर्स हैं कहीं पे लिफ्ट है जाओ, मैं थोड़ा डर भी लगता है मेरे को जाने में। चलो अभी इसको डिलीवर करके आते हैं, फिर देखते हैं क्या बन रहा है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा। तो यार अब मैं आपको ना एग्जैक्टली दिखा देता हूँ, मैंने इसके बंद कर दिया, 6:45 पे बंद कर दिया था, तो गाड़ी पार्किंग में लगा दी अभी। तो मैंने एग्जैक्टली कितने बजे स्टार्ट किया था, 3:45 से 6:45 तो हो गया 4:45, तो मतलब एग्जैक्टली मैंने 3 घंटे स्किप किया है। ये टोटल अर्निंग नहीं, इसको इग्नोर करो, ये है एक सेकंड ना, आज की यही है क्या, 29 जून, सॉरी, तो ये 29 जून है, आज टोटल $67 बने, टोटल हमने आठ ऑर्डर डिलीवर किए थे, $67 बने। और जो हमारी अर्निंग हुई है दैट इज वो हुई है करीब करीब $22 पर आर के हिसाब से, $22 पर आर के हिसाब से हमारी अर्निंग हुई है। तो इसके हिसाब से भाई आप कैलकुलेट करते हैं, रुको एक सेकंड। हाँ तो यार $22 पर आवर के हिसाब से अगर आप लगाओ और ऐसे लगा लो कि हर घंटे $3 से $4 का पेट्रोल लग रहा है, ठीक है, तो एक घंटे की ड्राइव में, तो देखो मैंने 3800 मतलब टोटल मैंने 62 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, बैड एवरेज के हिसाब से भी कितना फ्यूल लग गया, $12-13 आई गेस, $12 फ्यूल लग गया। तो $12 फ्यूल लगा लो, 67 $12 मतलब कि वही $4 पर आवर पे फ्यूल लग गया और बाकी मेंटेनेंस, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो यू आर मेकिंग अबव मिनिमम वेज, ठीक है स्किप में। और स्किप का फायदा ये है कि यू आर योर ओन बॉस और बाकी गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो तो इन एनी केस मेंटेनेंस वो वैसे भी होना ही है, ठीक है। तो फ्यूल को देखते हुए अगर फ्यूल सस्ता हो जाए तो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा स्किप, लेकिन स्किप का भी यार आपको टाइम पता होना चाहिए, आपको कब किस टाइम पे स्किप करना है। अब आप रात को 12 बजे 10 बजे स्किप ऑन करोगे तो छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं, अभी जो यहाँ पे जो कनेडियन लोगों का जो डिनर टाइम है उस टाइम पे आप स्किप ऑन करोगे 4-5 बजे 5 से 8 के बीच में तो आपको ज्यादा अच्छे ऑर्डर आते हैं, ठीक है, वो तो ट्रायल एंड एरर है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताना, कुछ भी क्वेश्चन है आपके तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं कमेंट्स में आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन तो ऑफकोर्स नहीं आंसर किए होंगे, लेकिन आपको आइडिया लग गया कि स्किप कैसे पिकअप करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, और स्मॉल टाउन में कैमलूप जैसे बहुत ही स्मॉल टाउन में यहाँ पे स्किप प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं वीकेंड पे स्किप नहीं कर रहा था, आज का दिन है वेंसडे, ऑन अ वेंसडे आफ्टरनून 3:45 पे मैं स्किप कर रहा था, तो दिस इज योर एवरेज सिनेरियो। वीकेंड पे तो स्किप बहुत ही अच्छा होता है, वो तो आप लोग इतने समझदार हो कि वीकेंड पे स्किप में बहुत पैसे बनते हैं, तो ये एक एवरेज इसको अर्निंग को आप मान सकते हो एंड यू कैन मेक अ डिसीजन कि भाई गाड़ी लेना इज स्मार्ट और नॉट। कोई और भी एक और भी वीडियो मैंने शूट करके रखी हुई है, उसको बस एडिट करना है। तो यार दैट वॉज अबाउट दिस वीडियो, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।